गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग क्लास। स्टार्ट करें बेटा। ओनली 3 स्टूडेंट यार। बेटा राइट डाउन मैसेज। आवाज आ रही है बता दो प्लीज। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रितिका गुड आफ्टरनून। आपको मैं MEC 2 जो है सेक्टर मतलब ब्लॉक नंबर शायद है 5th स्वाति राव। स्वाति गुड आफ्टरनून। देखो रितिका गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून है ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास पढ़ना, क्योंकि ये देखो मैं आपको इतना सारा बारे में तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं कंजप्शन की जो थेरियां हैं और आपके सिलेबस में एक कंजप्शन की कई थेरी हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट कंजप्शन थेरी है, इसके बाद रिलेटिव कंजप्शन थेरी है, इसके बाद आपको लाइफ साइकिल परमानेंट थ्योरी है, परमानेंट थ्योरी है, रैंडम हॉक थ्योरी है, और इसके बाद आपका इंटरन कंट्रोलर चॉइस है, फिर बाद में रैमसे मॉडल है। तो क्लास ये 6 मॉडल आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। और जो 6 मॉडल हैं इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये थ्योरी बहुत ईजी समझ में आएगी। तो क्लास गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी है पूजा, मैं यहाँ पर आपको पहले सब थ्योरी का एक टाइटल्स मतलब सब थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो मैं कराऊंगा, क्योंकि सब थ्योरी का जो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा थोड़ा थोड़ा तो पूरा थ्योरी बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी क्लास। और मेरे साथ आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाएंगे, जो भी मैं चीज़ें बोर्ड पे लिखाऊंगा या जो बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। और जब नोट डाउन करते जाएंगे क्लास, तो जितनी भी थ्योरी है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं 1 घंटे में आपको मैं कई थ्योरी पढ़ा दूंगा, बशर्ते आप मतलब रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले कंजप्शन की बात करेंगे, तो याद रखना। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्टेटमेंट इन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द टैक्स एक्सपेंडिचर विल बी। बेटा चला गया मैसेज, आप पर्सनल मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको। अभी हम आज कंजप्शन की बात करने जा रहे हैं। तो पहले कंजप्शन क्या है, कंजप्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब समझ लेंगे तो जितनी भी थ्योरी है बहुत आसानी से आ जाएगी। तो क्लास सबसे पहले बताइए आपकी कंजप्शन फंक्शन क्या है। सो विल बी द हैपेंड इस मे शिफ्ट राइट और सो एक्सप्लेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द टैक्स। देखो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स दो चीज़ें हैं क्लास, अब आप अभी क्वेश्चन पूछ लिया तो बता दे रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और टैक्स अगर डिक्रीज होता है तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड्स अपवर्ड जाएगा, देन मल्टीप्लायर फॉरवर्ड वर्क करेगा और GDP बेटर होगी। अगर ये एक्सपेंडिचर कम हो जाए गवर्नमेंट टैक्स भी बढ़ा देगी, तो इस केस में आपका जो
इन्वेस्टमेंट है कम हो जाएगा, तो मल्टीप्लायर रिवर्स वर्क करेगा और जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कंजप्शन पढ़ना है क्लास। और जो कंजप्शन है ना, इसके सब पॉइंट मतलब बेसिक पहले समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले कि व्हाट आर दी कंजप्शन, सिंपल वर्ड, व्हाट आर दी कंजप्शन, कंजप्शन क्या है, कंजप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो दो वर्ड आता है, कंजप्शन फंक्शन और कंजप्शन की जो प्रॉपर्टीज है। तो पहले कंजप्शन फंक्शन समझिए, तो लिखिए आप प्लीज़। देखो कंजप्शन फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम आगे चलकर कंजप्शन फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं हर तरीके से। तो कंजप्शन फंक्शन लिखिए पहले, क्या है कंजप्शन फंक्शन। ओके, तो देखो क्लास, जो कंजप्शन फंक्शन है उसको हम लिखते हैं C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। मतलब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। तो यानी कि इनकम के साथ हमारा कंजप्शन का इधर से पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो आप बोलेंगे कि कंजप्शन फंक्शन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जस्ट टू वे रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि भैया अगर कंजप्शन इंक्रीज होगा, कब होगा, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, और आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। सिर्फ राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी है बेटा, इसको बाद में समझ लेना। देखो C इक्वल टू फंक्शन Y, इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि इसमें क्या है कि इसका मतलब है कि अगर इनकम जीरो है, इट मीन्स इफ योर इनकम इज जीरो देन योर कंजप्शन इज ऑल्सो जीरो। ध्यान समझने में कुछ बताने जा रहा हूँ कि इफ इनकम इज जीरो कंजप्शन इज जीरो। अच्छा, इस केस में दो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है क्लास कि जो इनकम और जो कंजप्शन होता है उस रेशो को क्या बोलते हैं, वा उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं एपीसी। तो आपको एपीसी पता है, तो एपीसी को बोलते थे क्लास सी अपॉन वाई। ओके, यानी कि इफ योर इनकम के साथ जो कंजप्शन का रिलेशन उसे हम एपीसी बोलते थे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आपको बताना था मुझे कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो कंजप्शन होगा, तो अगर चेंज के रेशो को दिखाएंगे तो हो वो क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। तो आप लिखिए पहले एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखो मैं बेसिक करा रहा हूँ पहले, फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इसे हम एमपीसी बोलते थे। तो आपको ही पता है कि एमपीसी को हम क्या डिनोट करते थे, आपकी मर्जी है, कोई भी सिंबल दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, जो आपकी मर्जी है। अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इसको बोलते हैं एमपीसी, मतलब दिखाता है कि हाउ मेनी टाइम चेंज योर कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इन हाउ मेनी टाइम चेंज योर कंजप्शन, कंजप्शन के चेंज होने से इनकम कितना चेंज हो रही है, सॉरी इनकम के चेंज होने से कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है, इसको हम एमपीसी बोलते थे। तो क्लास अब हम आपको एक ग्राफ बना के दिखाते हैं पहले कंजप्शन फंक्शन का। ठीक है, अगर मैं ग्राफ को क्लास इस ग्राफ को कैसे दिखाएंगे आप, इस चीज को आप कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब है कि इनकम जीरो है तो कंजप्शन जीरो है। इट मींस योर स्टार्टिंग पॉइंट इज यहां से होगा, तो इसको लिखेंगे आप कंजप्शन फंक्शन। और जब आपका कंजप्शन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस योर कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, और आपको पता है क्लास कि ये आपका इनकम होती थी, क्या होती क्लास, ये वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखते थे। तो मेरा सेंस यहां पर है कि जब आपकी कंजप्शन इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जब आपका कंजप्शन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा तो वहां पर दो चीजें आपको मिलेगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होल लाइफ में आपको काम देगा कि जब वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा तो एपीसी और एमपीसी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? एपीसी और एमपीसी कांस्टेंट रहेगी। तो वी कैन एट एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी, ये दोनों बराबर होंगी। और ठीक है, और अपवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी कि एपीसी एमपीसी बराबर होगी और दोनों का रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इतना समय आ गया होगा। और इसी ग्राफ को बोलते हैं क्लास लीनियर कंजप्शन फंक्शन। सो आप लिख देंगे इसके लीनियर कंजप्शन फंक्शन, ओके। सो इसे बोलते हैं लीनियर कंजप्शन फंक्शन। अब आपको बताता हूं क्लास कि लीनियर कंजप्शन फंक्शन टू टाइप होते हैं, दो तरीके से कैसे पढ़ना है क्लास। अभी हम कंजप्शन फंक्शन को चेंज करके दिखाते हैं आपको कि कई बार होता है कि आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप फिर भी आप कंजप्शन करते होते हैं। तो कई बार आपकी कंजप्शन जीरो होती है, अगर इनकम जीरो होती है फिर भी आप कंज्यूम कुछ ना कुछ करते हैं, तो उस केस में जो आपका जो फंक्शन बनता है क्लास वो क्या बनता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, या मैं इसी को मिटा के लिखता हूँ दोबारा से, कि उस केस में क्लास आपका कंजप्शन फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ क्लास, नोट कीजिएगा। इसको बोलते थे कंजप्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, कंजप्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पर ए का मतलब क्या है क्लास, ए का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन। ए मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन, ओके। मतलब ऑटोनोमस मीन्स आपकी इनकम जीरो है तब भी आपकी कंजप्शन हो रही है, या तो आप बारो कर रहे हैं, या तो आप उधार ले रहे हैं, या तो आपका जो आपकी फैमिली का कुछ पहले का बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है क्लास, बी का मतलब है कि जब एमपीसी चेंज होगी, बी का मतलब यहाँ पर एमपीसी है, और एमपीसी का मतलब बता दिए थे आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसको हमने बी माना है। तो यानी कि कंजप्शन फंक्शन ये हो गया कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू बी। और अब मैं बताता हूँ कि अगर इस कंजप्शन फंक्शन को दिखाएंगे आप ग्राफ में, ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब मान के चलो, मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ क्लास, कि मान के चलो सी इक्वल टू 40 प्लस 0.5 वाई, 40 प्लस 0.5 वाई है। अगर इनकम जीरो है तो आपकी कंजप्शन कितनी है क्लास, अगर आपकी इनकम, इफ योर इनकम जीरो देन कंजप्शन कितना होगा क्लास, क्योंकि अब यहां पर अगर जीरो रख देंगे तो कितना बचेगा, ओनली क्या बचेगा, ओनली इज इक्वल टू कंजप्शन इज इक्वल टू 40, ओके। अगर इनकम आपकी मैं 100 कर दूं, अगर आपकी इनकम 100 हो जाती है, ठीक है, इनकम हो जाती है 100, तो आपका कंजप्शन कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, 40 प्लस 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि कितना हो जाएगा क्लास, 90, कितना आंसर आएगा फिर, 90। क्यों आएगा, क्योंकि 100 रुपये का हाफ खर्चा कर रहा है, तो 50 रुपये यहाँ से खर्चा करेगा, 40 उसका पहले का है, तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूँगा तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए मिटाओ बेटा, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफ में दिखाऊँ तो कैसे दिखाएंगे, अब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे हम ए मानेंगे, यहाँ पर ए मानेंगे, ए कितना है क्लास, मान के चलो ये 40 मैंने एग्जांपल लिया, तो ए इज इक्वल टू 40 हो गया, और ये स्लोप हो गई,
इसको बोलते हैं हम डेल्टा सी, डेल्टा वाई। ये क्या हो गई आपकी, स्लोप हो गई। तो यानी कि लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, या हम इसे लिखेंगे टी प्लस 0.5 वाई। क्लियर। और इसका मतलब हुआ कि आपकी ये y हो गया क्लास, क्या हो गया, c प्लस y हो गया। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इसी स्लोप को बोलते हैं क्या क्लास, क्या बोलते हैं, इसी स्लोप को बोलते हैं FDC, इसी स्लोप को बोलते हैं b इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। ठीक है। अब याद दो बातें आपको यहां पर और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है क्लास, कि जब ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी, जब कंसर्न आपका एक्स वाई, जब यहां पर इनकम होती है क्लास, जब आपकी कंजप्शन जो है वाई एक्स को टच करेगा, जब फंक्शन स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एपीसी फॉल हो रही है, एपीसी फॉल होगी, एमपीसी फॉल होगी। इसका मतलब हुआ कि एपीसी फॉल होगी। ठीक है, जैसे जैसे जाओगे एपीसी होगी और एमपीसी भी, दो एमपीसी भी फॉल होगी, लेकिन एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। याद रखना है क्लास, अभी आगे इसका मैं सारी थ्योरी में यूज आएगा कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी कब होता है, जब कंजप्शन फंक्शन ओरिजिन पॉइंट आपका वाई एक्स से होगा, यानी कि लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, इट इज आल्सो लीनियर कंजप्शन फंक्शन, लीनियर है लेकिन नॉट ओरिजिन पॉइंट। कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर बट नॉट ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी भी बढ़ेगा और एमपीसी बढ़ेगा, लेकिन मतलब रेशो कम होता जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ जाना चाहिए क्लास, कि अगर मैं यहां से कंजप्शन फंक्शन बनाऊंगा ओरिजिन पॉइंट से, तो वो होगा जब हम कंजप्शन फंक्शन ओरिजिन पॉइंट से बनाएंगे, तो इट मीन्स वो शो करेगा एपीसी एमपीसी इक्वल दिखाएगा हर एक इनकम पॉइंट पे, और जब हम यहां से क्लास बनाएंगे नॉट ए ओरिजिन पॉइंट, थोड़ा ऊपर से बनाएंगे, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगा, जब ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगा तो कंजप्शन स्टार्ट होगा, मैं भी थोड़ा सा बफरिंग हो रहा बाकी ठीक हो जाएगा, तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा कंजप्शन तो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी फॉलो होगी। मैं बिटा नोट कर लिया होगा आपने, फिर हम आगे चलते हैं क्लास, नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ इसको बेटा। मिटाऊं बेटा, मिटा रहा हूँ। दो चीजें आपका क्लियर किया मैंने, कंजप्शन फंक्शन लीनियर नॉन लीनियर, उसका स्लोप और एपीसी एमपी के साथ रिलेशन, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो थ्योरी इजी जाएगी पास। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। कंसेप्ट हमारा ये है क्लास, देखो बफरिंग अभी क्लियर हुआ, अब तो आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, ओके। देखो क्लास, दो चीज याद रखना कि आपका कंजप्शन इस पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना कि आपका जो कंजप्शन है दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक है
केन्जियन, आप बात करेंगे केन्जियन क्लासिकल की। एक डिबेट रहा है बहुत, देखो आप मास्टर्स लेवल का पढ़ रहे हैं, मुझे आपको इस बारे बातें बताना है, क्योंकि देखो हम बहुत बेसिक भी नहीं पढ़ सकते हैं और बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं जाएंगे, हम सब चीज़ बताते चलेंगे आपको। दो चीज़ें क्लास नोट कर लीजिए, एक तो ये है कि आपके लिए स्टैंडर्ड, आपकी जो कंजप्शन है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, आपका इनकम जितनी होगी उसी के रेशो में आपका कंजप्शन होगा। ये बात थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ में बताया, कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस बी वाई, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर इनकम जीरो है तब भी, बी का मतलब है जब इनकम चेंज हो रही तो कंजप्शन चेंज होगा ही, यानी कि आपका कंजप्शन वाई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वाई के साथ साथ बी पर भी डिपेंड कर रहा है। बी क्या है यहाँ पर, एम पी सी है, क्योंकि बी पर डिपेंड कर रहा है। अब बी क्या है बेटा जी, बी का मतलब है यहाँ पर एम पी सी है, ठीक है। अगर एम पी सी ज़्यादा होगा तो कंजप्शन आपका ज़्यादा होगा, और एम पी सी कम होगा तो कंजप्शन आपका कम होगा। अब लेकिन दो बातें निकल के आती हैं, देखो मैं बताता हूँ, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, सपोज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान के चलो कि आप 100 साल जिएंगे, अभी आपको कंजप्शन फंक्शन निकाल बता रहे हैं, मान के चलो क्लास आप 100 साल जिएंगे, 100 ईयर आपकी लाइफ है। अच्छा फिर लेते हैं बेटा जी, अगर हम एम पी सी को कांस्टेंट माने तो, अगर हमारा एम पी सी कांस्टेंट है और आप है कि 100 ईयर योर लाइफ है, आपकी लाइफ 100 ईयर है, भाई 2 साल जी बात दूसरी है, आपकी लाइफ अगर 100 ईयर है क्लास, ठीक है, और कंजप्शन ईयर, और देखो और ईच ईयर कंजप्शन ईच सी, सी क्या है, सी हर साल का आपका कंजप्शन है, सी क्या है क्लास, हर साल का आपका कंजप्शन है, और आप 100 साल जिएंगे, कितना 100 साल जिएंगे, तो 100 साल को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आप कंज्यूम करेंगे, आपका कंजप्शन निकलेगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, हंड्रेड इंटू सी, ये होगा जो टोटल एक्सपेंडिचर इज 100 इंटू सी। मान लो क्लास आपकी इनकम आज है, आज करंट में, तो करंट इनकम या वाई टी मान लिया आपने, कितना वाई टी करंट इनकम है आपकी, यानी कि आज जो आप इनकम कर रहे हैं, और आपका भी कितना साल बचा हुआ है, मान के चलो करंट इनकम जो भी है जितना साल आपका बचा हुआ है, तो करंट इनकम प्लस, अच्छा आपका 99 ईयर बचा हुआ, मान के चलो 100 साल मानते हैं आपका, तो हम ये कहते हैं कि जो कंजप्शन होगा, अच्छा रेस्ट ईयर कितना बचा, करंट ईयर लेंगे तो रेस्ट ईयर कितना बचेगा, कंजप्शन इज इक्वल टू बचेगा क्लास वाई टी प्लस 99 ईयर, वाई टी प्लस मतलब करंट में जो अर्निंग कर रहे हैं और आने वाले समय में 99 ईयर या 100 ईयर जो भी हम आप लेना चाहें, या 20 ईयर 50 ईयर जो आप जीना चाहते हैं जितने साल है, तो उतने भी जो अर्न करेंगे, यानी कि जो करंट में जो अर्न कर रहे हैं और जो फ्यूचर में अर्न करेंगे, और उसको आप अपनी टोटल लाइफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यह आपका एक फार्मूला बन जाएगा,
एक फार्मूला आपको ये रट लेना है कि जो कंजप्शन है वो करंट इनकम प्लस एक्सपेक्टेड इनकम इन नेक्स्ट फ्यूचर में अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईयर। सो सीज एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड इनकम और करंट इनकम। इट मीन्स योर कंजप्शन इज डिपेंड करता है करंट इनकम पे प्लस एक्सपेक्टेड इनकम पे अपॉन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, यानी कि 100 पे। एक फार्मूला आपको ये भी समझ लेना है। तीन चीज़ें आपको बता दिया, इसको भी फार्मूले को याद करके रखना है। अब हम चलते हैं मेन थ्योरी से क्लास। और मेन थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा वो है केन्जियन थ्योरी, प्रोफेसर केन्स की। आपकी रीडिंग में आपका जो बुक्स है उसमें समराइज लिखा हुआ, तो मैं समराइज ही चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाना भी है आपको, तो इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अभी दो तीन थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। प्लीज नोट डाउन के लिए ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। आप नोट कीजिए प्लीज, नोट डाउन कीजिए। इसकी थ्योरी है, पहले हम केन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी थ्योरी है, समझाना आपको है, शॉर्टकट में समझाता हुआ चलता हूँ सारी थ्योरी को, ठीक है। लिखिए पहले केन्स, प्रोफेसर केन्स या केन्जियन, इन्होंने थ्योरी दिया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजप्शन। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजप्शन। और एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजप्शन को भी ही बोलते हैं केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। इसे बोलते हैं आपने शायद बीए में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते थे क्लास केन्जियन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। नोट डाउन किया? तो देखो हम दो चीज आपको बताए थे क्लास, ध्यान से समझना। ये कहता है कंजप्शन होता है ए प्लस बी वाई, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको क्लास, ध्यान समझना, कि ये बी क्या है, बी क्या है, एमपीसी है, जिसे हम लिखते थे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्लियर। तो अगर हम ग्राफ के साथ दिखाने चाहें, साथ के साथ, तो ग्राफ के साथ अगर दिखाएंगे क्लास, तो हम क्या करेंगे अभी, ये y is equal to c plus cs है, ध्यान से मत जाना, क्या है कंजप्शन जीरो से स्टार्ट हो रहा है बेटा। दो थ्योरी स्टार्ट करते हैं कीन्स, ऐसा नहीं कि कहता कि कंजप्शन, मतलब अब बताता हूं, वो कुछ ऐसा मान के चलता है एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्योरी में ये कहता है कि ये फंक्शन लेते हैं, हम जीरो से भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, हम दोनों केसेस आपको बता रहे हैं अभी आपको। अब हमारा ये वाई है, इस कंजप्शन फंक्शन को मान के चलो हम कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सी प्लस ए प्लस बी वाई हो गया। अब ये बोलता है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या कहना चाहता है, ये कहता है क्लास कि आपकी जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतने कंजप्शन उतना इंक्रीज नहीं होगा,
मतलब जितना एमपीसी चेंज हो रहा है, जिस लेवल में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, उस लेवल में आपका कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहना चाहता है कि जैसे जैसे एक ह्यूमन स्टार्टिंग में एमपीसी बहुत ज़्यादा होती है, एक आदमी की इनकम आते ही पहले उसका कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये ह्यूमन नेचर है। आपकी जॉब लगेगी, आते ही आप क्या करेंगे, बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और एक टाइम के बाद आप सेविंग स्टार्ट कर देंगे। तो कीन्स ये कहता है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो सोसाइटी है वो एक टाइम के बाद कंजप्शन बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और शॉर्ट रन से लॉन्ग रन जाते जाते उसका कंजप्शन बढ़ना कम होना शुरू हो जाता है और सेविंग भी बढ़ना मतलब कम होना बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि लॉन्ग टर्म में जाकर के कंजप्शन फंक्शन स्ट्रेट लाइन बन जाता है लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट रन में क्या होता है कि एपीसी, देखो शॉर्ट रन में एपीसी ज़्यादा होती है एमपीसी, लेकिन एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी होती है। अभी बताता हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब आपकी पहले इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी आपका बढ़ेगा, पर उस लेवल तक नहीं बढ़ेगा कंजप्शन जितनी आपकी इनकम बढ़ती है। इसी को बोलते हैं साइकिल ऑफ कंजप्शन। अब उसको ग्राफ में कैसे दिखाना है, समझाना कैसे है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपने ये लिख दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो कंजप्शन आपका बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो कंजप्शन आपका कम होगा, तो इसे हम एमपीसी मानते हैं। तो वो कहता है कि सारी इनकम आप कंज्यूम नहीं करेंगे, जितनी इनकम बढ़ी है उतना कंज्यूम नहीं करेंगे, और जितनी अगर इनकम कम भी हो गई तो आपका खर्चा कम नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी पहले देखो आपका मान चलो कंजप्शन पॉइंट ये था, क्लास वाई था, हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, अभी नहीं बनाते वाई ग्राफ को, ये कंजप्शन फंक्शन है। अब ये कहता है कि यहाँ पर सी ले लीजिए तो एपीसी कितना हो जाएगा, सी अपान वाई हो जाएगा, सी अपान वाई हो जाएगा, एपीसी सी अपान वाई हो जाएगा, ठीक है। और कहता है अगर इनकम चेंज हो गई, इनकम बढ़ गई, ध्यान समझना बेटा, अगर आपकी इनकम और इंक्रीज हो गई, वाई से वाई वन हो गया, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो देखेंगे ये डेल्टा वाई हो गया, क्या है ये डेल्टा वाई, तो एमपीसी क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्लियर। अब कहता है कि अगर कंजप्शन और इंक्रीज हो जाता है, इनकम और बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम और बढ़ जाती है तो हमारी इनकम और बढ़ गई, जब हमारी इनकम और इंक्रीज हो गई ठीक है, तो देखेंगे कि एपीसी फाल हो रहा, एमपीसी फाल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब देखो आपका ये बन जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यानी कि क्या हम दिखाना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं क्लास कि अगर यहाँ से दो लाइन है, एक ये पॉइंट मिला आपको, मान चलो एक पॉइंट मिला, ये दो पॉइंट है ठीक है, यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दो पॉइंट मिला, तो अगर इस पर आप अगर ये दो स्लोप खींचेंगे, दो स्लोप, स्लोप क्या होती है जी, इस ये लाइन स्लोप आती है, तो ये कहता है कि स्लोप डाउन होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे जाएंगे ऊपर जा रहा है तो एमपीसी मतलब कम होती जा रही है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ स्लोप आएगा एमपीसी बढ़ती जाती है। तो अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलें, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग चलें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस देखो पहले क्लास, पहले यहाँ थे आप, पहले आपका कंजप्शन इतना था ठीक है, अभी आपका इनकम बढ़ी तो कंजप्शन भी बढ़ा,
लेकिन लेकिन देखेंगे जितनी इनकम बढ़ी है, जितनी इनकम हमारी बढ़ी है, हमारा उतना कंजप्शन नहीं बढ़ा, या कंजप्शन इनकम और बढ़ गई लेकिन कंजप्शन बहुत थोड़ा सा बढ़ा। यानी कि ये C1 C2 हो गया, तो डेल्टा C1 हो गया, डेल्टा C0 हो गया, और ये डेल्टा Y0 हो गया, डेल्टा Y1 हो गया। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब क्या था क्लास, कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y0 ठीक है से इज ग्रेटर देन डेल्टा C1 अपॉन डेल्टा Y1। इसका मतलब ये निकलता है क्लास, कीन्स का कहना था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना इनकम बढ़ती है। तो हमने ये प्रूव करना था कि ये रेशो जो है धीरे धीरे फॉल होता चला जाएगा। तो उन्होंने एक इक्वेशंस निकाल के बताया, क्या निकाल के बताया, फाइनली उन्होंने प्रूव किया कि क्लास क्या प्रूव किया कि एमपीसी एक का मतलब क्या है कि सारा का सारा इनकम खर्चा हो गया। एमपीसी एक का मतलब है कि सारा का सारा खर्चा हो गया, और जीरो का मतलब होता है कि बिल्कुल खर्चा नहीं किया। जीरो एमपीसी जीरो का मतलब है क्या है कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, और एमपीसी वन होने का मतलब है कि जितना इनकम आई पूरा का पूरा खर्चा हुआ। कैसे निकालेंगे आपको बता देते हैं हम। क्लास ये समझ गए होंगे, साथ के साथ नोट करते जाना भाई, मैं मिटा देता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ, मान के चलो 50 + 0.5y, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम आती है 50 है तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर आपकी इनकम 100 रुपये बढ़ जाती है, इनकम आपकी 100 रुपये हो जाती है, 0.50 × 100 यानी कि ये कितना होगा 50 हो गया है, यानी कि एमपीसी कितना है 1/2 है, हाफ कंज्यूम हो रहा है। जैसे जैसे आगे जाता है एमपीसी कम होती जाती है, यानी कि अगर ये 50 की जगह पे इनकम बढ़ गई आपकी, ठीक है इनकम आपकी बढ़ गई 200, तो कंजप्शन हो जाएगा हाफ, अगर एमपीसी 5 है तो कंजप्शन हो जाएगा 100 रुपीस। तो मेरा सेंस यहाँ पर आपसे ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा आप तो खर्चा नहीं करेंगे, तो जब पूरा का पूरा आप खर्चा नहीं करेंगे तो इसका मतलब 1 से कम है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और बट ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। हम क्या लिखें क्लास कि एमपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, इनकम इंक्रीज होती है बट उतना इंक्रीज नहीं होता जितनी आपकी इनकम, सॉरी कंजप्शन उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती है। सो क्लास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया कंजप्शन फंक्शन, उस फंक्शन से मैंने निकाला एमपीसी, ग्राफ में दिखा दिया। तो फाइनली बात ये आ रही है क्लास, बात ये आ रही है कि कहाँ तक ये सही है, क्या ऐसा वाकई होता है, क्या ऐसा फैक्ट है कि नहीं है। फिर हमने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग बताया था आपको कि लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में एपीसी इज्क्वल टू एमपीसी हो जाएगा, ओके बट शॉर्ट रन में ये मैंने क्यों बताया था, शॉर्ट रन में एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी एंड इन लॉन्ग रन
एपीसी और एमपीसी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका आंसर क्यों हो जाएगी, तो इसी आंसर को, मतलब जब हम बात करते थे क्लास, इसी चीज को, इसी बात को एग्जाम में, इसी बात को बोलते हैं कंजप्शन पजल। सो व्हाट इज द कंजप्शन पजल? अक्सर पूछा जाता है कंजप्शन पजल क्या है, तो वहां पर एक बात आती थी कि कीन्स कहता भैया कि शॉर्ट रन में एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी कहता इक्वल हो जाती है। क्यों होती है? इसी चीज को प्रूव करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आगे आई है, हम आपको तीन थ्योरी आगे चार थ्योरी पढ़ाना है, लेकिन यहाँ क्यों होती है, यह एक राज है, एक रहस्य है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए अलग 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 तरीके से प्रूव किया कि why is APC MPC in long run equal and why is APC is greater than MPC in short run, main thought थी था। इसी को बोलते हैं conjunction puzzle। और इसको पहली बार प्रोफेसर कुजनेटस ने फाइंड किया था, तो नोबेल मिल गया था। इसके बाद ड्यूजनबरी को नोबेल मिला, सॉरी इसके बाद जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, फ्रीडमैन आए, मोदिग्लियानी आए, रेंडम हॉक आए, इसके बाद एक के बाद एक थ्योरी आना शुरू हो गया। तो जो मेन थॉट था ये था, तो अगर आपका आता है एग्जाम में कि एब्सोल्यूट थ्योरी क्या है, या आता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन फंक्शन क्या क्या है, या आता है कंजप्शन पजल को क्या है, या आता है कि कीन्ज़ियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करना है। और ग्राफ एक और बनाना है आपको, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कट डाउन कर लिया होगा, क्लास नोट डाउन किया, थैंक्स सर। सो नोट डाउन किया क्लास, ओके। सो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर क्लास, ये मुझे बना है एक सेकुलर स्टेग्नेशंस, डू नो सेकुलर स्टेग्नेशंस, सेकुलर स्टेग्नेशन को हम ऐसे पढ़ेंगे, ओके। सो भी कैसे शॉर्ट रन और जब यहां से स्टार्ट हो जाएगा तो इसे बोलेंगे लॉन्ग रन। अब बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, ये लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट रन है। सो मेन रीजन है क्लास, जब हम यहां थे इस कंजप्शन को क्या बोलते थे, शॉर्ट रन। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, अब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, दिस लॉन्ग रन। सो इन लॉन्ग रन सिचुएशन एसी, लॉन्ग रन में क्या होता था, हमने बताया था कि जब हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जब हम वर्किंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कंजप्शन फंक्शन को, तो वहां पर एपीसी और एमपीसी इक्वल हो जाएगा। और जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी इन शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन बोथ आर इक्वल। इज क्लियर? आई होप इस माई पॉइंट इज क्लियर, ओके। सो फर्स्ट थ्योरी इज फिनिश, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड थ्योरी। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर सेकंड लेक्चर, सेकंड टॉपिक, मतलब टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लास। बोलो भाई आगे चले, नहीं बोल रहे हैं, प्लीज आंसर यार। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी
बेटा नेक्स्ट थ्योरी लिखो, द नेक्स्ट थ्योरी इज रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। बहुत इजी तरीके समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके समझेंगे और थ्योरिकल भी समझते जाएंगे। लिखो रिलेटिव क्लियर। सो रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शंस, और मैं पहले इस थ्योरी को समझा देता हूं कि कहती थी कि लोगों की इनकम जो है, यानी कि लोगों की कंजप्शन जो है वो उसकी इनकम पे डिपेंड करती है। इन्होंने उसमें एक और बात ऐड कर दिया, उन्होंने एक बात और ऐड कर दिया कि लोगों का कंजप्शन ना, यहाँ पर सिर्फ ग्राफ बनाना है बस, कि लोगों का कंजप्शन ना करंट इनकम के साथ साथ सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और वो सोसाइटी का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो अपने लेवल को मेंटेन करके है। अपने कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए वो कंजप्शन उसी लेवल में बरकरार रखता है जिस लेवल में उसकी इनकम आती है। देखो सारा आंसर वही निकलेगा जो आपको बताया हूँ पहले का, क्यों? इसलिए प्रूव करना चाहा कि लोगों की लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि लोगों को सो नहीं होने देना है, मतलब अपने कंजप्शन को मेंटेन करके चलता है। एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, सारे बातें क्लियर हो जाएगी। मान के चलो तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारा पड़ोसी एक नई कार खरीद के लाते हैं, ठीक है, वो परचेस करके लाए हैं। जब वो लाए हैं तो आपके माइंड में आएगा कि हम भी परचेस कर लें, तो कंजप्शन बढ़ा। क्यों बढ़ा कंजप्शन? रीजन दैट, क्योंकि इसे बोलते हैं दिखावा प्रभाव। जिसे बोलेंगे दो प्रभाव है, जिसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव। डेमोन्स्ट्रेशन सुना आपने, डेमोन्स्ट्रेशन दूसरे को देख करके जो हम चीज़ एडॉप्ट करते हैं उसे प्रदर्शन प्रभाव या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि आपकी इनकम 100 रुपये है तो आप अभी 50 रुपये खर्चा कर रहे हैं, जिसकी इनकम 1000 रुपये है वो 500 खर्चा कर रहा है। एजम्पशन है कि यानी कि दोनों के एपीसी इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई आप 100 रुपये में से 50 रुपये खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और अगला बंदा जो दूसरा पर्सन है वो 1000 रुपये में से 500 खर्चा कर रहा है, तो दोनों का जो एपीसी है, एमपीसी और एपीसी क्या है, कांस्टेंट है। अब ये थ्योरी बहना चाहती है कि जब एक कंट्री में पर्सन की इनकम के साथ साथ उस सोसाइटी में दो तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ना तो कंजप्शन को गिरने देता है ना तो कंजप्शन को उसी लेवल में मेंटेन रखता है। और इसी चीज़ को आपको ग्राफ में बता करके थ्योरी को समराइज करता हूँ, क्योंकि अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल या डेरिवेटिव का तो आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा और समझा नहीं पाऊँगा आपको। तो देखिए ये डिपेंडेंसी दो चीज़ें पे करता है, और ये कहता है कि रिलेटिवली सापेक्ष रूप से, हिंदी में इसको रिलेटिवली उसी लेवल को। तो इसको पहले दो इफेक्ट समझ लीजिए। एक इफेक्ट है प्लस ठीक है डेमोटेशन इफेक्ट, और दूसरा होता है रिसेप इफेक्ट। क्लियर? तो जो यह इफेक्ट है, यह इफेक्ट क्या करता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी लेवल में कंजप्शन भी बढ़ाता जाता है आदमी इस लेवल में। तो यानी कि यह लेवल कहता है इस इफेक्ट में कि आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब
आपकी इनकम जैसे बढ़ती है कंजप्शन भी वैसे बढ़ेगा। और यहाँ पर कहता है कि इनकम अगर कम हो जाती है जिस रेशो में रचेट इफेक्ट है, और ये है डेमोट्रेशन इफेक्ट। तो जिस रेशो में कंजप्शन इनकम कम होती है, जिस रेशो में इनकम कम होती है उसी रेशो में कंजप्शन भी आपका कम होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, ध्यान समझना, कि जब आपकी इनकम गिरने लगती है या आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आपके पास बैलेंस नहीं है, फिर भी लोगों को आप शो नहीं होने देना चाहते कि आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस लेवल इसकी वजह से क्या हो कि आप अपने कंजप्शन को मेंटेन रखते हैं, लोगों को शो नहीं होना देना चाहते कि हमारा इनकम आज उतनी नहीं है जितनी पहले थी। इस केस में इनकम कम होने के बाद भी आप अपने कंजप्शन को मेंटेन करते हैं। और डिमोटेशन में क्या होता है कि इनकम है लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इनकम नहीं हूँ, तो आप उसी लेवल में अपने कंजप्शन को भी बढ़ाते रहते हैं। तो फाइनली होता क्या है कि दोनों का इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये इनकम कंजप्शन को गिरने नहीं देता है और ये कंजप्शन को बढ़ाता है। दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका कंजप्शन मेंटेन करके रखता है। अब इसको मैं ग्राफ में समझाता हूँ, समझिए कैसे कराते हैं। इसको मिटाता हूँ। मान के चलो 2% है, क्या क्लास 2% है। मान के चलो दो आदमी हैं, एक ही परिवार, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो हम पहले डिमोटेशन इफेक्ट बताएंगे, फिर आपको रचेट इफेक्ट बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ को साथ साथ बनाएंगे, ग्राफ साथ साथ बनेगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लास, मान के चलो ए व्यक्ति है और बी पर्सन है, 2% है, मतलब ए और बी 2% है, ठीक है। हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, बताइए प्लीज। है आपको पता ही है, दूसरा है ये सी है क्लास, ये कंजप्शन लाइन है और दोनों व्यक्तियों की कंजप्शन लाइन है, दोनों पर्सन की कंजप्शन लाइन है। तो मैं एक आदमी को बोलता हूँ कि ए आदमी है और ये बी पर्सन है, मतलब ए की इनकम वाई नॉट है और बी की इनकम वाई वन है। देखो इस आदमी ए पर्सन की इनकम जो है वो वाई वन है बी पर्सन की। देखो ए पर्सन की इनकम है ओ वाई एंड इसका कंजप्शन कितना है, आप ऐसा दिखा सकते हैं ए वाई है, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है उसकी इनकम है ओ वाई, बी का है ओ वाई वन है, ठीक है। एक की इनकम कम है, यानी कि ए पर्सन से, यानी कि बी पर्सन इज ग्रेटर देन ए पर्सन, इनकम की बात कर रहे हैं, या आप ऐसे लिखेंगे ओ वाई नॉट, ठीक है, ओ वाई नॉट इज ग्रेटर से ज़्यादा है ओ वाई वन ज़्यादा है, मतलब 2% है ए और बी। अच्छा अब आपने करना क्या है क्लास कि हमें दो चीज़ें दिखानी है, हम ए पर्सन हैं, अगर जो ए पर्सन है इसका अगर हम खींचें एमपीसी तो कैसा आएगा क्लास, इसकी स्लोप क्या है, ये इसकी स्लोप आ गई,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, हम आपको कंफ्यूज ना हो जाएं, आप मैं इसके लाइन को अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो दो पर्सन हैं, एक इतना है एक इतना है, ठीक है। तो इस पर्सन की ये लाइन है, ठीक है, ओके, और इस पर्सन की, तो यानी कि दोनों का ये क्या है, ये स्लोप है, क्या है ये, ए पर्सन का स्लोप है, ठीक है, और ये बी पर्सन की स्लोप है, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं या आप रहने देते हैं। अब कहता है डिवीजन बड़े सिंपल कहता है कि दो पर्सन हैं, एक पर्सन ओ आई इनकम है और है, यानी कि एपीसी कैसे निकालेंगे, एपीसी निकालेंगे, ए पर्सन की एपीसी बराबर क्या हो जाएगी, ए वाई अपान ओ वाई नॉट, ठीक है, या ऐसे निकालेंगे, और दूसरे का भी निकालेंगे, बी पर्सन की कैसे निकालेंगे, बी वाई अपान ओ वाई वन, हमने दोनों की एपीसी निकाल लिया, यानी कि दोनों की एपीसी जो है अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, तो जिस लेवल में इनकम बढ़ेगी उसी लेवल में आदमी कंजप्शन अपना बढ़ाएगा, मतलब चाहे ए पर्सन हो चाहे बी पर्सन हो, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन उसी लेसो में बढ़ेगा। तो ये कहता है कि कंजप्शन जो फंक्शन है वो पैरेलली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, मान चलो क्लास वो बोलता है कि ये कंजप्शन फंक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ओके, शिफ्ट हो गया, तो कहता है अब हमारा यहाँ पर आ गया, तो गलत हो गया, प्लीज आप ऐसा खींच लीजिए, पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्या किया पहले खींच दिया, तो जो ए पर्सन था ये वाला बी पर आ गया, तो ए हो गया ए डैश, और बी वाला इस पर आ गया तो हो गया बी डैश। मतलब है कि क्लास मेरा सिंपल ये था, ओके, क्लियर। अभी क्या हुआ क्लास, देखो हमारे पास सिचुएशन ये आ रही है, हमारा ये कंजप्शन फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर यहां से देखें दूसरे का, तो ये इस पर जा रहा है तो ये इस पर गया, गुलाब को थोड़ा सा फिर से मुझे ड्रा करना पड़ेगा कुछ, सही है, सॉरी सॉरी सही है, ये यहां पर आ जाएगा बेटा, तो क्या हुआ देखिए, मेरा सिंप यहाँ पर था कि जब ये ए डैश पे चला गया, ये जो है बी डैश पे चला गया, और इनकम जो है वाई टू हो गया। बताना क्या चाहता हूँ मैं आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ क्लास कि जब आपकी इनकम इतनी थी ए पर्सन की, तो कंजप्शन इसका इतना, और जब उसकी इनकम ए आदमी की इनकम बढ़ गई तो उसका कंजप्शन भी उसी रेशो में ऊपर चला गया, और जो बी पर्सन है उसकी पहले इनकम इतनी थी, उसकी भी इनकम बढ़ी तो उसका भी कंजप्शन उसी लेवल में ऊपर आ गया, तो उसका लेवल यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि ए आदमी ने बी को रिप्लेस कर दिया और बी आदमी को रिप्लेस कर दिया। सी का जो लेवल था, मतलब दो आदमी क्या करेंगे, अपना लेवल इनक्रीज करते चला गया, मतलब ए ऊंचे लेवल पर कंजप्शन फंक्शन आ गया, तो ये भी सी वन हो गया, ये आपका एक न्यू कंजप्शन बना जो हमारा सी वन हो गया। सेंस मेरा यहाँ पर ये है कि अगर इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है, जब इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होगी तो सभी पर्सन की, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, डिजनबरी कहते हैं
है कि सोसाइटी का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि जब इनकम आती है तो सभी का कंजप्शन उसी लेवल में इंक्रीज होता है, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन होता है। जैसे पहले गांव में मोबाइल नहीं थे, आज हर के पास मोबाइल फोन है, पहले हुआ भी नहीं करते थे, आज सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या सबके पास पहले आ गया? नहीं, जो जिस लेवल पे था उसी लेवल पे यूज कर रहा था। आज जिस स्मार्टफोन है वो हाई फोन ले लिया, जिसके पास एक छोटी गाड़ी है आज वो बड़ी गाड़ी ले लिया, जिसके पास गाड़ी है वो मोटरसाइकिल पे चल रहा है। तो यानी कि सोसाइटी का लेवल्स बढ़ रहा है। मेरा सिर्फ यहाँ पर मतलब है कि डुजनबरी ने बोला कि इकोनॉमी में जो है जो कंजप्शन है वो इनकम पे तो डिपेंड करता करता है, लेकिन सोसाइटी पर डिपेंड करता है। सोसाइटी डेमोटेशन इफेक्ट भी दिखा कर दिखावा प्रभाव, तो जैसे इनकम होती है वैसे वैसे अपना लेवल चेंज कर लेता है, इसे बोलते हैं डेमोटेशन इफेक्ट। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है। सिंपल आपको दोनों दिखाना है कि इसे बोलते हैं डेमोटेशन इफेक्ट डुजनबरी का है। नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलें क्लास। प्लीज नोट डाउन। बेटा मैं मिटा रहा हूं। क्लास मिटाऊं? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज और रचेट इफेक्ट। तो रचेट इफेक्ट है उसको कैसे दिखाएंगे क्लास? रचेट का मतलब होता है, ध्यान समझना, कि इनकम कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, लेकिन जिस रेशो में इनकम कम होती है कंजप्शन आपका उतना कम नहीं होता। जिस रेशो में आपकी इनकम कम होती है कंजप्शन उतना कम नहीं होता, यही चीज दिखाना है। और डेमोटेशन में क्या दिखाया है कि इनकम जितना बढ़ती है उसी रेशो में कंजप्शन भी बढ़ती है। यहाँ पर दिखाना है कि इनकम जितना कम होती है उस रेशो में कंजप्शन कम नहीं होता, मतलब वो मेंटेन करके रखता चाहता है उसी पे, इसी को दिखाना है। तो देखो बेटा, एक कंजप्शन है, शॉर्ट रन का कंजप्शन है। ग्राफ समझ में नहीं आया? दोबारा समझाऊं ग्राफ को? ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। ग्राफ को पहले सिंपल समझ लीजिए क्लास, दोबारा समझाता हूँ। डेमोटेशन इफेक्ट में दोबारा बताता हूँ आपको, होता क्या है इसमें कि मान के चलो एक कंजप्शन है, बहुत इजी समय में एक कंजप्शन है, तो ए आदमी का कंजप्शन है, ये बी का कंजप्शन है। इतना समझ में आ गया? जब ए आदमी कंजप्शन है, ये बी आदमी कंजप्शन है, मतलब ए आदमी यहाँ पर है और बी पर्सन यहाँ पर है, तो ये ए आदमी की इनकम है, ठीक है, और ये बी पर्सन की इनकम है, ठीक है। अब कहता है कि जब इनकम बढ़ेगी, इनकम चेंज होगी, तो कंजप्शन चेंज होगा। तो यानी कि अब हमारा कंजप्शन मान के चलो चेंज हो गया, तो जो कंजप्शन चेंज हो गया तो ए आदमी बी के, ए पर्सन यहाँ से यहाँ आ गया और बी पर्सन यहाँ से मान चलो यहाँ आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये कंजप्शन था, अब ये कंजप्शन बढ़ गया, तो इस आदमी की इनकम थी तो ए आदमी की इनकम यहाँ आ गई, ठीक है, और बी आदमी की इनकम और ऊपर चली गई। तो ये Y1 था, Y1 Y2 हो गया, मतलब A पर्सन की इनकम इतनी हो गई। पहले A पर्सन इतना कंज्यूम करता था, ठीक है, अभी इनकम बढ़ गई तो उसका कंजप्शन इतना हो गया। पहले यहाँ था, जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो यहाँ पहुँच गया। सिंपल सा था कि लेवल उसका बढ़ गया। अब इसी चीज़ को मैंने ग्राफ में दिखाया था क्लास, कि हम इसको मिला देते हैं तो ये स्लोप निकल गई, और बी बी को मिला देते हैं तो स्लोप निकल गई। थोड़ा बेटा टेढ़ा हो गया ग्राफ को,
हमें इस तरह बनाना था कि ए का हो गया और ये हमारा बी का हो गया। तो दोनों का क्या दिखा, लेबल दिखाना था हमें कि इस ये आदमी इस लेबल से और ये आदमी इस लेबल से यहाँ पहुँच गया। इस आदमी की इनकम इतना बढ़ी, उसी रेशो में बढ़ गया, और जिस रेशो में ये बढ़ा है ना उसी रेशो में बी का बढ़ गया। तो सबका रेशो सेम बढ़ता है ये दिखाना चाहता है। जब इनकम का रेशो सेम बढ़ता है तो कंजप्शन का भी रेशो सेम बढ़ता है, बस यही बताना था। क्यों? क्योंकि डिमोटेशन इफेक्ट होता है। और समझ में आया बेटा? आ गया समझ में? क्लास किसको? बेटा समझ में आ गया? मिटाता हूँ आगे, फिर आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चल आगे बेटा, स्टार्ट करें। रचेट इफेक्ट देखते हैं। तो जो रचेट इफेक्ट है, ठीक है, रचेट में क्या करना है, ये शॉर्ट रन है, कंजप्शन है शॉर्ट रन का, ठीक है। और क्लास ये था कि मान के चलो कि एक पर्सन है, ठीक है, वो पहले इतनी इनकम थी तो इस पॉइंट पे कंजप्शन कर रहा था। जब इनकम इतनी थी तो इतना कंजप्शन कर रहा था। और जब आपकी इनकम इतनी है तो कंजप्शन आपका इतना है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर क्लास है कि देखो ये हमारी लाइन है वाई की, ठीक है। एक आदमी का कंजप्शन इतना था, जब इसकी इनकम बढ़ गई तो उसका कंजप्शन इतना बढ़ गया, वो सी से, ठीक है, वो सी से सी वन पे आ गया, सी से सी वन पे आ गया। लेकिन वो कहता है कि जब कंजप्शन कम हो जाएगी, जब आपकी कंजप्शन कम हो जाएगी, देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक है लॉन्ग रन, ठीक है। अब देखो सिंपल तरीके से देखो आप कि आपका कंजप्शन क्लास इतना था पहले, मान लो एक पर्सन की इनकम पहले इतनी थी, इनकम बढ़ गई तो इस पॉइंट से वो क्या करेगा क्लास, यहाँ पर आ गया। इनकम बढ़ने से यहाँ से वो यहाँ तक आ गया, ठीक। लेकिन जब उसकी इनकम कम होती है तो वो कंजप्शन उतना कम नहीं होता जितनी इनकम कम होती है। इनकम कम हो गया तो कंजप्शन यहां तक आना चाहिए, लेकिन कंजप्शन यहां नहीं आएगा, कंजप्शन कम डाउन होगा। कंजप्शन क्या करेगा, यहां मेंटेन करके रखेगा, तो वो सी से सी टू पे आएगा, सी से सी नॉट पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सो नहीं होने देना चाहता कि हमारी इनकम बहुत कम हो गई है और हमारा कंजप्शन लेवल डाउन हो रहा है। अपने कंजप्शन लेवल को मेंटेन करके रखना चाहता है, क्योंकि वो मेंटेन करके रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि लोगों को सो नहीं होने देना चाहता है। तो इसी को हम बोलते हैं रचेट इफेक्ट। ठीक है, रचेट इफेक्ट में क्या होता है कि कंजप्शन इनकम के साथ
डिक्रीज होती है लेकिन कंजप्शन उतना डिक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों को सो नहीं होने देना चाहता कि इनकम हमारी आज कम हो गई है। तो जब दो तरीके से आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कम नहीं होने देना चाहता, यहाँ पर कम नहीं होने देना चाहता है क्लास, ठीक है, यहाँ पर कम नहीं होने देना चाहता और वहाँ पर उसी लेवल में बढ़ाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंजप्शन जो है लॉन्ग रन में मेंटेन हो जाता है। इसीलिए एपीसी एमपीसी, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी इन शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में एमपीसी और एपीसी जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन जाएगा जाएगा तो ये लॉन्ग रन हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लास बस करें या कल पढ़ें? आज के लिए इतना काफी है या कल करें? कल सेम टाइम पे दो थे कर लेंगे, लाइफ साइकिल एंड परमानेंट कल पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? क्लास प्लीज मैसेज, क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में तो बहुत होच पोच हो जाता है। हाँ सर कल करते हैं। देखो दो थ्योरी आपकी हो गई है, दो थ्योरी में हाँ जी सर कल करते हैं, ठीक है, दो थ्योरी को समझा गया, आप दो थ्योरी अच्छे से आ गई है, बाकी दो थ्योरी हम कल पढ़ेंगे। याद से इसी टाइम 5 बजे आ जाना है, 5 से 2.5 घंटे 1 घंटे में आपको दो थ्योरी करा दूंगा, ठीक है। सो सेशन को एंड करते हैं, लीव करते हैं। ओके थैंक यू।